बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हाजरा बेगम और अज़र रहमान रिवायतों की खुशबू में आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज अम्मी बहुत ही ज़बरदस्त अचारी करेले चने की दाल बता रही हैं। बहुत क्वांटिटी जो है इसमें अचारी मसालों की थोड़ी थोड़ी डलेगी, लेकिन टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है इसका। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी डलेंगी, और फिर अम्मी स्टार्ट करती हैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है। आखिरी तक वीडियो को लाजमी ज़रूर देखिएगा। एक पाव चने की दाल ली थी, उसे एक घंटे के लिए भिगो दिया था, और भिगोने के बाद उसको हमने बॉईल करके निकाला है। और ये बहुत ज़्यादा नहीं गली हुई, बहुत थोड़ा सा इसमें कसर बाकी है, क्योंकि जब ये पकेगा करेलों के साथ तो भी 10-15 मिनट के लिए पकेगी, तो ये फुल डन हो जाएगी। बिल्कुल हलवा करके नहीं उबालना है इसको, खड़ा खड़ा उबालना है। हाफ़ के जी हमने करेले लिए थे, करेलों के को धोकर खुश करके छीन लिया था और इनके स्लाइस कर लिए बारीक बारीक। हाफ़ टी स्पून हमने साबुत सौंफ ली है, हाफ़ टी स्पून हमने साबुत धनिया लिया है, हाफ़ टी स्पून कलौंजी है, हाफ़ टी स्पून राई दाना है, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा था उसको बारीक बारीक काट लिया है, 3 से 4 जो थे बड़े साइज़ के लहसुन के जवे थे उनको बारीक बारीक काट लिया है, जो करेले काटे थे उसके अंदर से जो बीज निकले हैं ये हमने साइड पे निकाल के रखे हैं, ये भी डालेंगे, बहुत मज़े के लगते हैं खाने में। 1 छोटे साइज़ की प्याज है, इसको हमने काट के रखा है साइड पे। ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून भर के, इसमें हम पिसी हुई नहीं डालेंगे, कुटी हुई डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, टेस्ट ज़्यादा आएगा। हाफ़ टी स्पून नमक अब हम डालेंगे, और हाफ़ टी स्पून नमक हम ऑलरेडी दाल के अंदर बॉईल करते हुए डाल चुके हैं, और फिर चख भी लेंगे, अगर कम होगा तो ऐड कर देंगे। वैसे मेरे ख्याल से ये इस क्वांटिटी में काफ़ी है नमक 1 टीस्पून। 1/4 टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर है, 1/2 कप ऑयल जाएगा, लेकिन अगर ज़रूरत हुई तो थोड़ा बहुत 1 या 2 टेबल स्पून मज़ीद डाल देंगे, क्योंकि इसमें करेले हमें फ्राई करने हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं काम। सबसे पहले जो है तमाम अचारी मसाले जिसमें कलौंजी, मेथी, रायदाना, सौंफ, ज़ीरा और साबुत धनिया था, वो सब को रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। ये थोड़ा सा हीट हो जाते हैं तो हम इसको बस निकाल लेंगे। इसमें से खुशबू आपको आने लगेगी थोड़ी देर में, तो बस फिर हम इसको निकाल लेते हैं, कुछ सेकंड्स ही हमें ऐसे करना है। बस अब इसको हम निकाल लेते हैं। ऑयल डालेंगे, अब हम ऑयल ऐड करेंगे पहले कढ़ाई में। ऑयल डाला है हमने, और ऑयल थोड़ा गर्म हो जाता है उसके बाद करेले डाल के हम फ्राई करेंगे। इसमें शेलो फ्राई होंगे ये, उनके कढ़ाई भर के हम फ्राई नहीं कर रहे हैं। अम्मी ने एक डाल के देखा है, देखें इसमें साइड में बबल्स आ रहे हैं, तो ये गर्म हो गया ऑयल। अब इसमें ऐड कर देंगे हम करेले जो हमने बारीक बारीक स्लाइस बना के रखे हुए थे, और इनको थोड़ी देर पकाएंगे, शेलो फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर ही, जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। बस इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसका कलर चेंज हो जाता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें अभी हल्का सा कलर चेंज हुआ है, थोड़ा सा और चेंज हो जाए, यानी थोड़े नरम और सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, ऐसा करने से जो हम नमक वगैरह लगा के नहीं रखते, लेकिन कड़वापन ख़त्म हो जाता है इससे।
हल्के हल्के उसमें हल्की आंच पे रखा हुआ है, मीडियम आंच पे रखा हुआ है और ये आराम से हो जाता है। देखें 3 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें हम ये ऐड करेंगे बीज। और इन बीजों को भी थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे इसके साथ ही और फिर इसको हम निकालते हैं करेलों को बाहर निकाल के। और फिर क्या नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम भी बताएंगे। ऑयल गरम है अब हमारा और इसमें हम प्याज डालेंगे। एक छोटी प्याज थी जिसे स्लाइस करके हमने रख लिया था और इसको थोड़ा सा इसको जो है हाफ डन करना है, पूरा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसकी रंगत जो है वो बदल जाए। ये थोड़ा सा हो जाती है, तकरीबन 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको, ये होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। देखिए प्याज ने अपनी रंगत बदल रही है, अभी ये इसमें फ्राई होती रहेगी क्योंकि और चीज़ें भी जो डलेंगी वो ड्राई हैं। अब इसमें लहसुन जो हमने बिल्कुल बारीक बारीक काट के रखा हुआ था इसको भी प्याज के साथ फ्राई करेंगे और अदरक डालेंगे। खुशबू जब आती है ना इसकी लहसुन अदरक की फ्रेश की तो वो बहुत ही अलग होती है। और अब डालेंगे जो अजारी मसाला हमने रोस्ट करके रखा हुआ था वो ऑयल में भी थोड़ा सा हम उसको फ्राई कर लेंगे ताकि मज़ीद खुशबू उसकी जो है वो हो, ऑयल के अंदर भी आ जाए सारी। और अब जनाब इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें हल्दी नमक ये अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसे। अब इसमें फौरन ही हम ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, काश मैं आप सबको ये अम्मी के खानों के तो खुशबुओं की बात ही अलग। इसी वजह से जो हम सब ने नाम सोचा वो यही सोचा कि रिवायतों की खुशबू, क्योंकि अम्मी के हाथ के खानों में जो रिवायती खाने हैं वो बहुत अलग हो जाते हैं। अब इसमें हम चने की दाल ऐड कर देंगे अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है सारे मसालों के साथ। एक दफ़ा बनाएं आप लोग बार बार खुद बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। अचारी लोबिया भी अम्मी ने आप लोगों को बताया था वो भी बहुत मज़ेदार बनी। बहुत ही मज़ेदार, आप इसकी रंगत देखें कितनी अच्छी है। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पानी की ही वजह से जो है करेले कड़वे हो जाते हैं। अब इसको हम ढक के कुछ देर दम पे पकाएंगे। पाँच मिनट बस अम्मी कह रही है इसको दम पे रखना है ताकि जो मसाले हैं उनका जायका करेलों में और उसके अंदर ऐड हो जाए। 5 मिनट गुजर चुके हैं
इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से, जबरदस्त किस्म की। बस अब इसको डिश आउट करेंगे। देखें बिल्कुल तैयार है, कितनी जल्दी तैयार हो जाता है ये, जबरदस्त लग रहा है। मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं, देखिए कितना ज़बरदस्त, थोड़े थोड़े मसालों में ज़बरदस्त जायका आ गया है। अब मम्मी डिश आउट करती हैं इसको। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त बनाएं, क्या इसे धुआंधार किस्म का, जायकेदार किस्म का ये अचारी करेले चने की दाल हमारा तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है, मैंने चखा है अभी, बहुत ही मज़ेदार। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा अचारी करेले चने की दाल तैयार है, बहुत ही जायकेदार बनी है। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जाने से पहले बस यही दरख्वास्त करूँगी, अपनी दुआ में मेरी वालदा को याद रखें, अल्लाह ताला उन्हें उम्र ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे के रखे। वो इसी तरह हमें बहुत सारी रिवायती डिशेज़ बताती रहें जो जायके से भरपूर हैं, जिनकी खुशबू का तो कोई मोल ही नहीं है। तो बस ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें, क्योंकि मुझे यकीन है कि जब आप एक दफ़ा ये बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। और ये चपाती के साथ सर्व करते हैं, तंदूर की रोटी या चावलों के साथ सर्व नहीं करते, घर की बनी हुई चपाती के साथ सर्व करें। और अगर थोड़ा सा और मज़ीद ऐड करना है तो रोटी या पराठे आपके साथ आप सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर बहुत जल्द किसी नई डिश के साथ आप लोगों से फिर मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।